Assalamu Alaikum students, how are you? I'm your one class teacher. I hope you will find. First of all, we will start our work with the name of Allah, Bismillah rahmanir Today we will discuss a diary of two days: 15th and 16th September 2021. And the day is Wednesday and Thursday. Now we will discuss about the diary of English. The English diary is यूनिट नंबर एट लास्ट फोर वर्ड मीनिंग प्लस क्वेश्चन नंबर वन लर्न प्लस राइट वर्ड मीनिंग है हमारे फर्स्ट वर्ड लवली लवली मीन खूबसूरत प्यारा खूबसूरत भी कह सकते हैं आप इसे प्यारा भी कह सकते हैं लवली मीन खूबसूरत या प्यारा नेक्स्ट है स्माइल स्माइल मीन मुस्कुराहट स्माइल मीन मुस्कुराहट नेक्स्ट है प्लीज खुश हुआ प्लीज खुश हुआ नेक्स्ट है गोबड़ हड़प किया गोबर्ड मीन हड़प किया लवली खैबा खूब बेखूब खूब स्वादवासू रे तेसाकिन खूबसूरत पे ये अलिफ या रे अलिफ्रा प्यारा खूबसूरत प्यारा मुस्कुराहट मीम सीन काफ काफ्रे अलिफ़्रा हेटे मुस्कुराहट नेक्स्ट है प्लीज खैवा खू शीन साकिन खुश हे वाह अलिफ वाह हुआ ख़ुश हुआ नेक्स्ट है गोबड़ हे रे पे साकिन हड़प काफ ये अलिफ या किया हड़प किया गोबड़ मीन हड़प किया और नेक्स्ट आईडी इज़ क्वेश्चन नंबर वन वर्ड डेट द क्रो स्टील फ्रॉम ए हाउस हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं डिक्टेशन भी हमारे हो चुके हैं और आज हमारे वर्ड मीनिंग भी कम्प्लीट हो चुके हैं अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन क्या है वर्ड डेट द क्रो स्टील फ्रॉम ए हाउस कव्वे ने एक घर से क्या चुराया कव्वे ने एक घर से क्या चुराया स्टील मीन चुराया होता है ना हमने स्टोल स्टील पढ़ा था ये सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे आंसर है इसका ही स्टॉल ए पीस ऑफ चीज ही स्टॉल ए पीस ऑफ चीज उसने एक पनीर का टुकड़ा चुराया उसने एक पनीर का टुकड़ा चुराया ओके स्टूडेंट्स आज की डायरी हमारी इतनी ही थी आप इसे अच्छे से लर्न करोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे विश यू ऑल द बेस्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायरी ऑफ मैथ्स और मैथ्स डायरी इज डोजिंग डिजिट काउंटिंग वन हंड्रेड फिफ्टी वन टू टू हंड्रेड लर्न प्लस प्रैक्टिस प्लस नंबर टेबल ऑफ एलेवन नेक्स्ट हाफ लर्न प्लस प्रैक्टिस और इंग्लिश डायरी मैथ्स डायरी इज डोजिंग डिजिट काउंटिंग डिजिट काउंटिंग है आपकी वन हंड्रेड फिफ्टी वन से टू हंड्रेड तक हम स्टार्ट करेंगे एच टी ओ हमारे पास थ्री डिजिट्स है ना हंड्रेड टेंस वंस हंड्रेड का एच टेंस का टी और वंस का ओ हंड्रेड टेंस वंस अब आपके पास ये डिजिट्स हैं वन हंड्रेड फिफ्टी वन से टू हंड्रेड तक इसमें से आप रैंडमली कोई से भी डिजिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और मेथड आपने इसी तरह रखना है एच टी ओ राइट करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉट पैटर्न आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा नंबर टेबल ऑफ एलेवन नेक्स्ट हाफ़ नेक्स्ट हाफ़ फर्स्ट हाफ़ हम कर चुके थे एलेवन जीरो से एवन फाइव ताक कर चुके थे अब हम स्टार्ट करेंगे सिक्स टू टेन उसकी आप लर्न भी करोगे और उसकी प्रैक्टिस भी करोगे हमारी मैथ्स डायरी इतनी ही है आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट ओके स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस अबाउट द डायरी ऑफ जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज डायरी इज पेज नंबर फोर फुल लर्न आपके नोट्स में पेज नंबर फोर है स्टूडेंट्स पेज नंबर फोर कंप्यूटर एंड इट पार्ट्स कंप्यूटर और इसके हिस्से फर्स्ट पार्ट इज कंप्यूटर प्रिंटर मॉनिटर सीपीयू डिस्क ड्राइव कीबोर्ड फ्लॉपी डिस्क स्कैनर माउस एंड सीडीज़ ओके स्टूडेंट्स मैं रिकॉल करती हूँ आप सुने अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस करें कंप्यूटर प्रिंटर मॉनिटर सीपीयू डिस्क ड्राइव कीबोर्ड फ्लॉपी डिस्क स्कैनर माउस एंड सीडीज ओके स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी उर्दू की डायरी की तरफ उर्दू की डायरी है सफ़ा नंबर 110 मज़े की सैर है सीन जी इसके सवाल जवाब आज हम करेंगे पहला सीन है इसका हाथी क्या कर रहा था हाथी क्या कर रहा था इसका जवाब है हाथी सूंड हिला रहा था क्वेश्चन देखें बच्चे क्वेश्चन से हम कॉपी करेंगे हाथी हाथी क्वेश्चन में हाथी है आंसर में भी हम हाथी राइट करेंगे क्या की जगह पे लिखेंगे सूंड हिला क्या सूंड हिला रहा रहा था, था। सवालिया निशान।, निशान खत्मा हाथी क्या कर रहा था हाथी सूंड हिला रहा था हाथी क्या कर रहा था हाथी सूंड हिला रहा था हे अलीफा हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन से और थे छुटिए थी सेंटर फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे और जो है इसकी दो चश्मी है वो सेकंड लाइन पे आएगी सेकंड लाइन के सेंटर से, से स्टार्ट करेंगे हे अलीफा थे छुटिए थी हाथी नेक्स्ट है सीन पेशवा सू नू डाल सूड हाथी सूंड हे ला अलिफ ला हिला रे हे अलिफ रहा थे अलिफ था हाथी सूंड हिला रहा था नंबर टू है जराफा क्या खा रहा था जराफा क्या खा रहा था जवाब है इसका जराफा पत्ते खा रहा था अब देखिए हमने इसको इसमें चेंजिंग क्या करनी है खा की जगह पे क्या रखना है क्या की जगह पे पत्ते ज़राफ़ा कॉपी करेंगे क्या की जगह पे पत्ते खा रहा कॉपी करेंगे था कॉपी होगा और सवालिया निशान की जगह पे हम लगाएंगे ख़त्मा ज़राफ़ा क्या खा रहा था ज़राफ़ा पत्ते खा रहा था अंडरस्टैंड अब आप इसको अच्छे से लर्न करोगे प्रैक्टिस करोगे और जो है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ताकि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो अब हम आते हैं अपनी इस्लामियत की डायरी की तरफ इस्लात की डायरी है सबक नंबर चौदह नमाज उन्वान है जायज़ा प्लस फलक ज़ुबानी सबसे पहले आप फलक जो है वो लर्न करोगे उसके बाद नेक्स्ट है जायज़ा सीन नंबर टू है सीन नंबर वन हम कर चुके थे सीन वन है टू तारिक अब्बा जान के साथ क्यों गया सवालिया निशान सवाल नंबर टू है तारिक अब्बा जान के साथ क्यों गया इसका जवाब है तारिक अब्बा जान के साथ नमाज पढ़ने के लिए गया क्योंकि जगह पे क्या चेंज करेंगे नमाज पढ़ने के लिए जस्ट क्यों की चेंजिंग होगी बाकी सारा हम कॉपी करेंगे देखें अब्बा जान के साथ क्योंकि जगह पे नमाज पढ़ने के लिए और फिर गया को भी कॉपी करेंगे लास्ट में सवालिया निशान है इसमें ख़तमे की चेनिंग करेंगे क्योंकि ये जवाब है जहाँ भी हम जवाब राइट करते हैं और लाइन का जो लास्ट होता है वहाँ भी हम ख़त्मा लगाते हैं तारिक अब्बा जान के साथ क्यों गया तारिक अब्बा जान के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए गया बच्चे आज की डायरी हमारी इतनी ही थी आप इसको अच्छे से लर्न करोगे इसकी प्रैक्टिस करोगे ओके बिसमिल्लर रही अलकम वरि मैं वन क्लास की कुरान टीचर हूँ आज हम पंद्रह सोलह सितंबर की डायरी करेंगे और दिन है बुध जुमेरात का इन दो दिनों में ये डायरी याद करनी है आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे चलिए आज हम कुरान की डायरी देखते हैं नुरानी कायदा तख्ती नंबर तेरह वी से लेकर अलकाफरीन तक मौसम अरबी में जुबानी याद करने हैं आपने चार है मौसम वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी पहले हम नौरानी कायदे का पढ़ लें आरोमिल्ला मेरे साथ साथ आप लोगों ने पढ़ना है وسا با زير حك وسا حا زبر حا وسا بحا حا تا زير تي فا زبر سين فا سين زبر ألف سا فسا با زبر قو فسا تازيرتي फ बि ौति फाजब ल पेषमु फल् दाजबर् बाद फल्प् फल्दबि रोखडि जबर ो फल्मुदो ताजेरती फल्मुदबि रोती तापेश बातु लर् सीनस् تبلس سين زبر تبلس س را زبر ألف مد تبلس را حمزة زير إي تبلس را إي را بيش رو تبلس را إي رو فا زبر فا ميم زبر ها مه فا مه ها زير اي هي مه هي लाम जे लाम लील फमील काफ खड़ी जबर का फमह ही फ़ाज़ेर फ़ी का फी रो जेर यारी नून जबर ना फमह ही लिल का फी री न यह आप लोगों का आज नुरानी कायदे का सबक था जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ओरल का आप लोगों का है मौसम हमारे मौसम जो हैं चार हैं मौसम बहार है मौसम ख़जा है मौसम सरमा है मौसम गरमा है इसके आर्मी में भी नाम है और आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कैसे पढ़ना है आप लोगों ने नंबर एक रबी बहार नंबर दो खरीफ ख़जा नंबर तीन शीफ़ गरमा नंबर चार शिताऊ सरमा कैसे एक मरतबा फिर सुन लें रबी बहार खरीफु खजा सैफ़ु गरमा शिताऊ सरमा ठीक है ये आप लोगों के चार मौसम अरबी में हो गए ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है नमाज आप लोगों ने पाबंदी से पढ़नी है मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे और आपको इस पर अमल करने की तोफ़ी कता फ़रमाए जजाकल्ला